हेलो एवरीवन, प्रदीप बाल्यान अगेन आपके सामने हैं एक नई वीडियो लेके। एज यू नो दोस्तों, मैं अभी ऑस्ट्रेलिया से वापस आया हूं, जिसमें मैं AIEC ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने गया था। साथ साथ में मैंने AAERI की मीटिंग भी अटेंड की थी। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि हम वहाँ पर प्रैक्टिकली थे, लाइव था। मुझे वीज़ा ऑफिसर से मिलने का मौका मिला, जिसमें एलिस मैकलिन डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन से अच्छे थे। इसके अलावा मिस्टर ब्रैड स्मिथ, ब्रांच मैनेजर डिपार्टमेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से थे। इसके अलावा जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, उनका भी स्पीच था, वो भी अटेंड करने का मौका मिला। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं आप लोगों को बताने के लिए, वो मैं इसमें आपको बताऊँगा। 10 अक्टूबर या 11 अक्टूबर को ये AIEC की कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी, ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जो कि अपना हुबार्ट में थी। तकरीबन 4 दिन की ये कॉन्फ्रेंस, जिसमें फुल डे मैं वहाँ पे रहा हूँ। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के डेलीगेट से मिलने का मौका मिला, एजुकेशन मिनिस्टर से। साथ साथ में जो AAERI की मीटिंग थी, उसमें भी डिफरेंट जो डिपार्टमेंट से लोग आए थे, उनसे मिलने का मौका मिला। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि कुछ मिथ्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ र्यूमर मार्केट में चल रहे हैं कि भी अब कोई फंड दिखाने की जरूरत नहीं है, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं वो आपके साथ एक तरह से चीट किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा कि वहाँ पर जो हमें अपना एलाइस मैकलिन, डायरेक्टर स्टूडेंट एंड टेम्प्रेरी ग्रेजुएट सेक्शन वीज़ा डिपार्टमेंट DIBPCSA का जो स्पीच था, उसको जो हमने सुना, उसके बाद जो हमारे क्रॉस क्वेश्चन थे, उसमें यही चीज़ निकल के आई कि जैसे इंडिया असेसमेंट लेवल 2 में है, पहले 3 में था, अब 2 में हम आ गए हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज जो असेसमेंट लेवल 1 और 2 के हैं, उसमें अगर आप जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को GT क्राइटेरिया आपको चेक करना है। GT आपका मीट होना चाहिए वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज देती हैं, जिसमें आपकी फंड, आपकी गैप एक्टिविटी या फिर आपकी एजुकेशन, हर एक डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में देखते हैं। जब आपका GT मीट होगा, तभी आपको परमिशन मिलेगी COE के लिए, आपको फ़ीस ट्रांसफ़र करनी है, और तभी आपको COE मिलेगी। COE जब आप मिलती है, ठीक है, उसके बाद जब आपकी फाइल एम्बेसी में जाएगी, तो आपको फंड्स लगाने की जरूरत नहीं है, बट एम्बेसी माइट आस्क। लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रही है मार्केट में, या बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट आ रही हैं, उसमें एक ही चीज़ निकल के आ रही है कि भाई आप लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है कि फ़ंड नहीं दिखाने, इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी, IELTS या PT नहीं दिखाना। ऐसा नहीं है दोस्तों, सब कुछ, सारी की सारी तलवार आज की डेट में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज पर लगती हुई है। एम्बेसी ने जो असेसमेंट लेवल 1 और 2 के कॉलेज हैं, उसमें अगर आप जाते हैं, तो सब कुछ, सारा का सारा GT कॉलेज के ऊपर डाल दिया कि कॉलेज को चेक करना है। तो डेफिनेटली हर एक यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज मोस्टली आज की डेट में फ़ंड्स देखे बगैर आपको COE नहीं देंगे। तो ये जो र्यूमर है आपका, आपके सामने, कि भाई फंड्स नहीं दिखाने, और कहीं ना कहीं आप मिसगाइड भी हो रहे हैं कि चलो यार आप IELTS कर लो, फंड तो दिखाने हैं ही नहीं, या IELTS भी नहीं करो, क्योंकि मुझे सैकड़ों स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, या मेरे फेसबुक पे या यूट्यूब पे इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर क्या फंड्स रियली में नहीं दिखाने, या इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी जिसको IELTS या PT बोलते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। अगेन मैं बोलूँगा, ये सब झूठ है, मिथ है, क्योंकि अगेन आपको एक चीज़ समझनी है कि जो असेसमेंट लेवल 1 और 2 के कॉलेज में आप जाते हैं, तो वो फंड्स और जो इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी का जो आपका क्राइटेरिया है, वो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी जिसमें आप जा रहे हो, उसको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। अगर वो सेटिस्फाई होंगे, तभी आपकी फाइल एम्बेसी में लगेगी। वो कैसे सेटिस्फाई होंगे? वो आपके फंड्स देखेंगे, वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी चेक करेंगे। तो दोस्तों, अपना ये जो बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट आ रही हैं, उसको देख के अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आप अपना डिस्ट्रैक्ट मत होइए, आप IELTS करिए, TT करिए, साथ साथ में अपने फ़ंड मेंटेन जरूर करिए, क्योंकि फंड यूनिवर्सिटीज़ और एम्बेसी चेक करेगी, तभी आपको COE देगी। अगर वो चेक नहीं करती है, और किसी कारण से एक आध कॉलेज अगर ऐसा कोई आता है, किसी, अगर आपकी फाइल एम्बेसी में लग जाती है, एम्बेसी आपसे पूछती है, तो आप फंसेंगे, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी अपडेटेड जो न्यूज़ है, वो यही है कि जो मार्केट में मिथ है, वो मिथ ही है, वो झूठी है। क्योंकि मुझे लाइव मौका मिला हुबार्ट में AAERI की मीटिंग्स में, जिसमें मैं DIBP डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के वीज़ा ऑफिसर से मिलने का मौका मिला। इसके अलावा मिस्टर ब्रैड स्मिथ थे, ब्रांच मैनेजर डिपार्टमेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये सारी चीज़ें जब हम लाइव वहाँ पे देख के आए हैं, वहाँ पे उनसे क्वेश्चन किए हैं, तो उससे यही चीज़ समझ में आती है कि उनको जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए। GT पहले भी था, GT आज भी है, जिसमें आपके फंड्स,
आपकी एजुकेशन, आपकी गैप एक्टिविटी, आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री, आपके रिसर्च, आपके पेरेंट्स की इनकम, ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप जितने क्राइटेरिया मीट करोगे तभी आपकी फाइनल एम्बेसी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये न्यूज़ मेरी आपको देनी जरूरी थी, क्योंकि रिसेंटली जो मुझे लाइव मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करना जरूरी था, क्योंकि इसी के कारण ही आज हम यहाँ पे हैं। क्योंकि हम टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट से या फिर एरी की मीटिंग्स में जो चीज़ें सीखते हैं कोशिश करते हैं कि वो आपको बताई जाएँ, क्योंकि ये अगर चीज़ें ठीक होंगी तभी आपका वीज़ा लगेगा, अगर ये चीज़ें हम आपसे झूठ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके कैरियर के साथ खिलवाड़ होगा। तो दोस्तों अगेन छोटी सी मैसेज के साथ विदा लेना चाहूँगा कि करियर आपके हाथ में है, और करियर अगर आपने बनाना है तो जेन्युइन कंसल्टेंट आपके पास होना चाहिए, जिसको नॉलेज हो, जो प्रैक्टिकली नॉलेज रखता हो, जो आपके करियर को अपना करियर समझता हो। तो दोस्तों रेस्पॉन्सिस की किसी भी ऑफिस में आके आप ये सेम चीज़ फील कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। चंडीगढ़, अम्बाला, चित्तर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, अमृतसर एंड जलंधर, ये हमारे ऑफिस हैं जिसमें आप विजिट कर सकते हैं, कंसर्न स्टाफ से मिल सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट्स पे जाके लाइव चेक भी कर सकते हैं, वेबसाइट से www.western-overseas.com लाइव चेक करिए, आपका जो भी क्वेश्चन है आपको आंसर मिलेगा। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है western-overseas172, उसको आप लाइक करिए और जो भी क्वेश्चन है लिखिए, आपको वहाँ भी आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा एक व्हाट्सअप नंबर है 9115017017, तो इस पर भी आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपको कोशिश करेंगे कि आपको जनमंडी के साथ आपके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए। दोस्तों इसी के साथ विदा लेना चाहूँगा, नेक्स्ट टाइम फिर मिलता हूँ लेकिन नहीं आप देखते।